केन्या में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने बुधवार को कदम पीछे खींच लिए। वहीं राष्ट्रपति ने टीवी के लिए देश के नाम संबोधन में कहा वह वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वहीं वित्त विधेयक वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अब केन्या के युवाओं के साथ बातचीत शुरू करेंगे और देश में आय और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए मित व्ययी पर भी काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि संसद पर द्वारा पारित वित्त विधेयक में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव था। वित्त विधेयक में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने से गुस्साए हजारों लोग मंगलवार को संसद परिसर में घुस गए थे।